एक उन्होंने कहा कि ये गलबन मुझे जो समझ में आया, ये इंडिया से कॉल थी कि इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस गलबन ये कह रहे थे, और उसमें जब हम बीमार होते हैं तो पैसा मिलता है और बीमार ना हो तो आखिर में ज़्यादा मिलता है, इसकी क्या शरह हैसियत है। देखिए हमने बारह आपको बताया कि बाज़ औक़ात ये लॉज में शामिल होता है, कानून ऐसा ही होता है, जैसे मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारे के जो एम्प्लॉई हैं इंश्योर्ड होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती होती है, तो या बाहर के मुल्कों में हर शख्स को इंश्योरेंस करवानी होती है मकान वगैरह की, गाड़ियों की, तो जो गवर्नमेंट के कानून के तहत आ जाए वो बिल्कुल आप मजबूर महाज़ें बिल्कुल आप कर भी सकते हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। हाँ अगर ख़ुद आप करना चाहें तो अगर कोई ऐसी कंपनी जो मुसलमान कंपनी है और मतलब उसमें मुसलमानों के लिए फ़ायदे के इम्कानात भी कम होते हैं तो इसको फिर हम मना कर देते हैं एहतियातन, क्योंकि इसमें जुए और सूद की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन अगर आपको वहाँ कानून के तहत आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। ये कहते हैं कि